जी हाँ दोस्तों, तो आखिरकार लंबे इंतजार के बाद भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला T20 मुकाबला शुरू हो चुका है, जहां ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम पर हार्दिक पांड्या ने अपनी नई प्लेइंग 11 टीम को लेकर कदम रख दिया है। तो आखिरकार टॉस जीतने के बाद क्या चल रही मुकाबले की लाइव अपडेट, किसने बना लिए कितने रन, कौन खेल रहा है कितने रनों पर, सब कुछ आपको लाइव दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि भारत और वेस्टइंडीज में से पहला T20 मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच लंबे अंतराल के बाद आखिरकार पहला T20 मुकाबला अब शुरू हो चुका है, जहां इस मुकाबले का इंतजार पूरा भारत बेसब्री से कर रहा था। और दोस्तों लंबे अंतराल के बाद शुरू हुए इस मुकाबले में कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपने जलवे पहले ही दिन से बिखेरने शुरू कर दिए। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने यहां टॉस जीतकर सबसे पहले बल्लेबाजी चुनते हुए वेस्टइंडीज की टीम को चारों खाने चित कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच ये रोमांचक मुकाबला आज टीम इंडिया के लिए ऐतिहासिक मुकाबलों में से एक है, क्योंकि वेस्टइंडीज में आकर कई बार भारतीय टीम ने T20 श्रृंखला को गंवाया है। और ऐसे में अब हार्दिक पांड्या अपनी कप्तानी में वेस्टइंडीज के खिलाफ इस T20 सीरीज को हाल में जीतना चाहेंगे। वहीं अगर बात करें भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहले T20 मुकाबले की लाइव अपडेट के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप इस मुकाबले को लाइव अपने टेलीविजन पर देखना चाहते हो तो स्टार स्पोर्ट नेटवर्क के चैनल पर आप सभी इस मुकाबले का आनंद उठा सकते हैं। और अगर आपको इस मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखनी है तो Disney+ Hotstar ऐप पर दिखाई जा रही है, जहां आप अलग अलग भाषाओं में इस मुकाबले को देख सकते हैं। और अगर आप इस मुकाबले को बिल्कुल फ्री में देखना चाहते हैं तो JioCinema ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर बात करें मैच के बारे में कि आखिर किसने कितने रन बना लिए, तो आपको बता दें कि वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में ईशान किशन और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरे, जहां इस दौरान ईशान किशन का बल्ला तो नहीं चला और मात्र 13 रन बनाकर ही आउट हो गए। तो वहीं ईशान किशन के आउट हो जाने के बाद पूरी भारतीय टीम लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि टीम इंडिया के पास और कोई विकल्प बचा ही नहीं था। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरा और उन्होंने भारतीय पारी को संभाला, और इस दौरान सूर्य कुमार यादव ने भारतीय टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाया। हालांकि इस दौरान हार्दिक पांड्या भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, जो कि 17 रन ही बना पाए, लेकिन गिल ने आज अर्धशतकीय पारी खेलते हुए 54 रन अभी तक मुकाबले के दौरान बना लिए। वहीं सूर्य कुमार यादव अपने शतक के बेहद करीब पहुंच चुके, जिसे देखकर वेस्टइंडीज की टीम भी काफी परेशान नजर आ रही है। और वेस्टइंडीज की टीम के गेंदबाज रोस्टन चेज जैसन होल्डर पूरा जी जान लगा रहे हैं कि कैसे भी करके भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोका जाए, क्योंकि अगर ये नहीं रुके तो भारतीय टीम इस मैदान पर 300 रन भी बना सकती है। और ऐसे में यहाँ वेस्टइंडीज की हार तय है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय टीम ने प्रदर्शन दिखाया उसे देखकर भारतीय टीम की जीत पक्की लग रही है। वहीं दोस्तों अगर बात करें इस मुकाबले के लिए भारत और वेस्टइंडीज की प्लेइंग 11 टीम के बारे में, तो यहाँ पर भारत की तरफ से जिन खिलाड़ियों को आज मौका मिला है वो टीम अब पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ईशान किशन के साथ सुमन गिल ने पारी की शुरुआत की, उसके बाद मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह को मौका दिया गया है। तो वहीं फिर निचले क्रम में उमरान मलिक, युजवेंद्र चहल और अर्शदीप सिंह भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर वेस्टइंडीज की टीम के बारे में बात करें तो वेस्टइंडीज की तरफ से ब्रेंडन किंग और साई होप ने पारी की शुरुआत की। इसके अलावा जेनसन चाल, निकोलस पुरन, रोमन पावेल, रमन रेफर, जेसन होल्डर, रोस्टन चेस, रोमारियो सेफर्ड, अल्जारी जोसेफ और सेल्डन कॉट्रेल आप सभी को खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे में आप सभी को क्या लगता है कि पहला T20 मुकाबला भारत और वेस्टइंडीज में से कौन सी टीम जीतेगी, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।